हम लोगों ने तीन तरह के डिविडेंड देखे, केवल नाम सुने, लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला प्रपोज्ड, एंट्रिम एंड डीम्ड डिविडेंड, यस और नो? हमने कहा था प्रपोज डिविडेंड विल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर एज एंड वेन द कंपनी डिक्लेयर्स इट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ये टैक्सेबल होगा। और एंट्रिम डिविडेंड, चूंकि कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्यों? रिड्यूस करने का या विड्रॉ करने का? अच्छा, होता है। तो इसका मतलब कंपनी के पास अगर ऐसा ऑप्शन है तो तुम लोग के हाथ में टैक्स कब लगना चाहिए? जब एक्चुअल में रिसीट हो जाए। और लास्ट मैंने बताया था डीम्ड डिविडेंड, और इसमें मैंने कहा था इसमें हम लोग को पांच सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 222A, B, C, D एंड E। टुडे विल स्टार्ट इट फ्रॉम ए। एक्चुअल में ये डिविडेंड दिया नहीं गया था, एक्चुअल में ये डिविडेंड दिया नहीं गया था, लेकिन डिविडेंड दिया हुआ मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। और जब डिविडेंड मान लिया जाएगा, मान लो एक कंपनी के ऊपर मान लिया गया कि उसने 2 लाख रुपए का डिविडेंड डीम्ड है, 2 लाख रुपए का डिविडेंड क्या है? डीम्ड है। जर्नल एंट्री क्या करते हो डिविडेंड की? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश? हाँ, या ना? तो जाहिर सी बात है इसको क्या माना गया है? डीम्ड डिविडेंड। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? डीम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर और शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतनी मार खाओगे, मैंने अभी अभी बोला पेमेंट तो जाता ही नहीं है, एक्चुअल में डिविडेंड के नाम से जाता ही नहीं है, एंट्री क्या करोगे फिर? हाँ बोलो, वहीं बैठो। हाँ हाँ बोलो, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डीम डिविडेंड। टू डीम डिविडेंड मतलब पैसा आ रहा है क्या कंपनी के पास, कि कंपनी दे रही है? टू डीम डिविडेंड का मतलब तो इनकम मान ली है ना। हाँ बोलो बाबू, क्या एंट्री होगी? नहीं मालूम, कौन बोला? हाँ बोलो, हाँ तो बताओ ना क्या करें, कैसे करें, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। प्रोविजन क्रिएट करेंगे, और तुम बोलो, मत बोलो। हाँ, बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड। हाँ, डीम्ड की बात कर रहे हैं, बोलो। हमने ऑफिस एक्सपेंसेस किया था, 2 मिनट के लिए इधर देखो, 1 लाख रुपए का, कितने का? और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ना, इसमें से 30,000 हम अलाउ नहीं करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ना, आपने ये एंट्री कर रखी है लेकिन हम केवल 70,000 का खर्चा मानेंगे, 30,000 का खर्चा नहीं मानेंगे। बताओ एंट्री क्या करनी पड़ेगी 30,000 के लिए? अरे हम इसकी बात करें फिर, अब डिविडेंड, जब हम इसकी बात करें तो डिविडेंड कहां से आ गया, इसकी बात बताओ। क्या नाम मुंडी हिलाने से काम हो जाएगा? हम तो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिल्कुल, चलो। इसने कहा पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस में सर डाल दीजिए, ये भी तो हुआ होगा। चलो मैंने पूरी एंट्री कर दी, सब्जी बाकी है, पूरी हो गई सब्जी बाकी है। बताओ 30,000 से क्या एंट्री करोगे? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल,
हाँ तुम बोलो। इनकम टैक्स में हम लोग अकाउंट करते ही नहीं इनकम टैक्स में तुम लोग डेबिट क्रेडिट कहाँ से ला रहे हो? नहीं, मेरे पूछने से और तुम बता दोगे तो वो नहीं है बात। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको फिर से ढंग से समझो। अभी भी बात नहीं समझ में आई तुम लोग के? नहीं आई? हाँ बताओ। तो अकाउंट में तो एंट्री करोगे, टैक्स में नहीं करोगे, अकाउंट्स में तो एंट्री करोगे। अकाउंट्स में हम लोग करेंगे, रिवर्स करेंगे, बस इतनी मोहर खाओगे। वही बता रहे हैं कि तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आया, तो तुम लोग करो समझ में आ गया। सुनो, इनकम टैक्स बिल्कुल अलग होता है, अकाउंटिंग बिल्कुल अलग होती है। अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट रखा ही नहीं, ना कभी डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो तुम लोग को इनकम टैक्स देने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं पाओगे, तो क्या टैक्स देना पड़ेगा? तो इसका मतलब हर आदमी टिप्पे बुक्स ना रखे कोई टैक्स नहीं देगा। बुक्स ऑफ अकाउंट से टैक्स का क्या लेना देना भाई? और ये डीम्ड डिविडेंड केवल हमारा टैक्सेशन में माना जाता है, अकाउंट में कभी इसका चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जब अकाउंट्स का ये मैटर है ही नहीं, तो डेबिट क्रेडिट तो कभी आएगा ही नहीं। और 1 लाख रुपए मैंने बुक एंट्री कर रखी है, दैट इज ओके इन आर अकाउंट्स। इट डजंट मीन एट ऑल दैट वी शुड ट्राई टू रिवर्स द एंट्री अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन, नॉट एट ऑल। यहां तो हम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। 30,000 मैंने खर्च किया, डिपार्टमेंट नहीं मान रहा, तो मैं क्या करूं? उससे मेरा क्या लेना देना? बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या लेना देना उसका? वो केवल अपनी इनकम का कैलकुलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? इनकम का कैलकुलेशन कर रहा है, एंड दैट अकॉर्डिंग टू दैट वी आर नीडेड टू पे द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। बात खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोगों ने बुक्स में क्या एंट्री की है, क्या एंट्री नहीं की, और एंट्री करना और ना करना हमारा कोई कॉन्क्लूसिव रिजल्ट नहीं बताता। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा एंट्री करना ना करना कोई कॉन्क्लूसिव रिजल्ट नहीं बताता। नो डाउट, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? डेबिट क्रेडिट होगा। सैलरी ले रहे हैं तो कौन सा डेबिट क्रेडिट होता है बताओ? अब ठीक है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होगा। मैं कहीं नौकरी करता हूं, 50,000 पर मंथ मिलता है, तो मैं क्या डेबिट क्रेडिट करूंगा? क्या डेबिट क्रेडिट करूंगा? कौन सी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट रखता हूं? तो हमारा टैक्सेशन में कुछ चीज अलाउ हो ना हो, नई चीज आ जाए पुरानी चीज हट जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। इस तरह से तो पीजीपीपी में जाओगे, कहेगा कि पूरा के पूरे बिजनेस का एक्सपेंडिचर जो है प्लांट एंड मशीनरी को पीएल में डालो, तो क्या अकाउंट में भी पीएल में डाल दोगे क्या? अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता, अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता। इज इट क्लियर? आपने जो अकाउंट्स में किया, अगर आपने सही किया अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देन दैट इज ओके। वो हम ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, एंड विल ट्राई आर बेस्ट टू कैलकुलेट द इनकम विद दैट अकाउंटिंग। लेकिन जरूरी नहीं कि अकाउंटिंग और टैक्सेशन के रूल्स आपस में क्लैश ना करें। कई जगहों पर क्लैश करते हैं एक दूसरे से, और जहां क्लैश करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जब हम टैक्सेशन के रूल्स को फॉलो करते हैं तो फिर अकाउंट्स को चेंज करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा वहां पर। अब बात समझ में आई? तो बुक्स ऑफ अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, तो एंट्रीज का इसमें कोई रोल नहीं होता, तो इसीलिए डीम्ड डिविडेंड की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। इज इट क्लियर? अब आते हैं सेक्शन 222A। क्या कहता है ये सेक्शन 222A? लोग सरकार को मूर्ख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मूर्ख बनाते हैं, और सरकार को मूर्ख बनाने के तरीके ढूंढते हैं। हुआ क्या कि सरकार ने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन 115O। ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है। ये कंपनी और ये, इस कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया 2 लाख, इनके हाथ में पहुंच गया 2 लाख, टैक्स कौन देगा? और ये एक शेयर होल्डर नहीं है, सैकड़ों हैं।
किसी को 5,000 मिला, किसी को 2,000 मिला, किसी को 50,000 मिला, किसी को 1,00,000 मिला, किसी को 2,000 मिला, इस तरह से हो सकता है। बात समझना, इसकी अदर इनकम्स हैं, इसकी अदर इनकम है लगभग 2,70,000 इस बंदे की जिसको ये मिला है, और ये जो 1,00,000 पा रहा है इसकी अदर इनकम है 20,000। कितनी है बताओ, टोटल इनकम कितनी हो गई और इसकी कितनी हो गई, किस पर टैक्स लगेगा और किस पर नहीं। इस पर टैक्स लग जाएगा, 2,50,000 से ऊपर है, और इस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 2,50,000 तक माफ है। सोचो जो 1,00,000 का डिविडेंड पा रहा है उसके ऊपर 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा, और जो बेचारा 5,000 केवल पा रहा है उसके ऊपर टैक्स, इसकी कोई दूसरी इनकम नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सोचो जो आदमी इतना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है कि साल भर में उसको 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2,00,000 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, वो 1 रुपए का टैक्स नहीं पे कर रहा, और वहीं पर 2,000, 4,000, 10,000, 15,000 हो सकता है उनको टैक्स पे करना पड़े क्योंकि वो 2.5 लाख की लिमिट के ऊपर चले गए। तो गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता था, गवर्नमेंट समझ नहीं पाती थी कि करें तो करें क्या। तो गवर्नमेंट ने कहा अब हम तुम लोगों से टैक्स नहीं वसूलेंगे डिविडेंड पे, इसी से वसूल लेंगे। किस पर? सीधे सीधे 2,00,000। और इसके लिए कौन सा सेक्शन लॉन्च किया? 115O। और 115O में कहा इफ एनी कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर, डिक्लेयर मीन्स वॉट प्रपोज डिविडेंड, इफ एनी कंपनी इज गोइंग टू पे मीन्स वॉट इंटरिम डिविडेंड, इफ एनी कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, ना डिक्लेयर ना पे, डिस्ट्रीब्यूट, इफ एनी कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अमंगस्ट द शेयर होल्डर विल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी एज अ CDT या DDT, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स बोलो या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलो। बात एक ही है, कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सीधे सीधे कंपनी जब पेमेंट करेगी 2,00,000 पर टैक्स दे देगी कंपनी, फिर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब गवर्नमेंट को 100% डिविडेंड पर इनकम मिली या नहीं मिली? सोचो पूरा टैक्स मिल गया गवर्नमेंट को इस 2,00,000 रुपए पर, जब कंपनी ने डिक्लेयर किया, पे किया या डिस्ट्रीब्यूट किया, कंपनी को पूरे गवर्नमेंट को पूरे 2,00,000 रुपए की डिविडेंड पर इनकम पर टैक्स मिल गया। अब उसको ये नहीं देखना कि ये 5,000 कमाता है, ये 1.5 लाख कमाती है, वो 2.5 लाख कमाती है, वो 4 लाख कमाता है, उस पर मिला उस पर नहीं मिला, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। सीधे सीधे गवर्नमेंट को 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर टैक्स मिल गया, जिसको हम CDT या DDT कहते हैं। अब जब इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया तो आपके पास जो पहुंचेगा टैक्स पे करके पहुंचेगा, फिर सरकार आपसे भी टैक्स लेगी क्या? नहीं लेगी। क्या करेगी? एग्जेम्प्ट कर देगी। तो डिविडेंड्स आर नाउ एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द डिविडेंड। अब जो आदमी रेसिपिएंट होता है, मैं कंपनी हूं, तुम लोग शेयर होल्डर हो, पहले तुम लोगों के ऊपर टैक्स लगता था, ये 2.5 लाख कमाती थी, 5,00,000 रुपए डिविडेंड इनकम कमाती थी, टैक्स लग जाता था, वो 2,00,000 केवल डिविडेंड कमाती थी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। गवर्नमेंट ने कहा नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब सब पर टैक्स लगा देंगे। किसके ऊपर? सीधे कंपनी के ऊपर। तो सब पर टैक्स मिल गया एक तरह से। अब बांटो ना इसको, टैक्स दिया हुआ है बांटो, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को 1,000 मिले या 50,000 मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ में आया? तो जब हमें टैक्स देना पड़ेगा तो उसके लिए हमारे सेक्शन बना हुआ है सेक्शन 115O, CDT या DDT। क्लियर है? तो शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या है? एग्जेम्प्ट है। शेयर होल्डर के हाथ में क्या है? एग्जेम्प्ट है। ना तो उसकी इनकम में जोड़ेंगे, ना तो उसकी इनकम से लेस करेंगे। अब सरकार को मूर्ख बना रहे, जब यह प्रोविजन आ गया तो अब कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा 2,00,000 रुपए पर। तो कंपनी क्या चाहेगी, टैक्स देना पड़े या ना देना पड़े? ना देना पड़े। उसके लिए गवर्नमेंट को उसने मूर्ख बनाने के लिए तरीके अडॉप्ट किए। क्या किए तरीके? देखना कौन कौन से तरीके अडॉप्ट किए। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, यहां पर एसेट्स लिखी हैं और यहां कैश या बैंक लिखा है और यहां इक्विटी शेयर कैपिटल है शेयर होल्डर्स और यहां रिजर्व एंड सरप्लस। डिविडेंड जब पढ़ोगे टॉपिक तुम लोग अकाउंट्स में तो एक चीज देखने को मिलेगी, डिविडेंड मस्ट बी पेड इधर इन कैश और थ्रू चेक। डिविडेंड को कैश, चेक या डिविडेंड वारंट के थ्रू ही पेमेंट किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डिविडेंड को कैश, चेक और डिविडेंड वारंट के थ्रू पे किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
डिविडेंड को कैश, चेक और डिविडेंड वारंट के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इज इट क्लियर? अब कंपनी ने ये समझा कि कैश कम होगा शेयर होल्डर को जाएगा, चलो एक काम करते हैं सरकार को मूर्ख बनाते हैं, कैश नहीं कम करेंगे। तुम मेरे शेयर होल्डर हो ना, तो मेरे शेयर होल्डर हो ना, तुमको हमसे क्या चाहिए? फायदा ले लो, फायदा कैश में ना लो, कैश में मत लो। हम एक काम करते हैं, हमारे पास 4 शेयर होल्डर थे, इसके पास 10% है, इसके पास 30% है, इसके पास 40 है और इसके पास 20 है। एसेट है 5 लाख रुपए की, कैश है हमारे पास 2 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस कितने का? 3 लाख रुपए का। ठीक है ना? कंपनी ने क्या चालाकी की, कंपनी ने अपनी कई सारी एसेट्स में से, मान लो 2 एसेट्स थी, 1 एंड 2, कंपनी ने इसमें से एक एसेट उठाई ये वाली 2 लाख, और जानते हो बांट दी किन में? किसी एक शेयर होल्डर पी को दे दिया। किसको दे दिया? पी को। ये शेयर एसेट बांट दी और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख। कितनी? बताओ ये डिविडेंड है या नहीं? एक शेयर होल्डर को दिया गया है, ये डिविडेंड है या नहीं? बोलो भाई पीछे, ये डिविडेंड है, कैश गया नहीं कंपनी के पास से, शेयर होल्डर को फायदा चाहिए था, बांट दिया। इससे मतलब नहीं है एक को बांटा या सबको बांटा, अगर सबकी बात करेंगे तो हम एक को दे देंगे, कहेंगे आपस में बांट लेना, यहां कोई फर्क नहीं किया गया, एक को बांटो या सबको बांटो। क्लियर है? कितना? 2 लाख या 3 लाख? कितना डिविडेंड माने, 2 लाख या 3 लाख? 3 लाख। 3 लाख। अब समझ में आई बात? इसमें कोई दिक्कत? यहां तो अपनी कंपनी अपनी सारी एसेट्स बांट दे या किसी एक एसेट को बांटे, पार्ट ऑफ द एसेट बांटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? मार्केट वैल्यू इसकी थी 4 लाख। अब बोलो 4 लाख कितना? 4 लाख। गलत जवाब। डिविडेंड 3 लाख माना जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड बांटी होती तो मैक्सिमम कंपनी डिविडेंड बांट सकती थी कितना? 3 लाख। कितना बांट सकती थी? रिजर्व एंड सरप्लस से ऊपर का डिविडेंड कभी जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता ना, तो मान लिया जाएगा अगर कंपनी लायक ही 3 लाख के थी तो इसका मतलब मैक्सिमम चोरी उसने 3 लाख तक की, तो डिविडेंड विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और। सर ये कैपिटलाइज्ड और नॉट का क्या मतलब है? कभी कभी रिजर्व एंड सरप्लस बोनस शेयर में नहीं आ जाते, बोनस शेयर दे देते हैं। मान लो हमने 1.5 लाख का बोनस शेयर दिया था, कितना कभी बांटा था बोनस शेयर 1.5 लाख का, तो इसमें यानी 2.5 लाख रुपए कैपिटल का है और 1.5 लाख बोनस शेयर्स का है, तब जाकर 4 लाख हुआ है, ये बोनस लिखा हुआ है 1.5 लाख का। अब बताओ ये अगर क्वेश्चन तो डीम्ड डिविडेंड कितने का? 4 लाख का। वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट मिलाकर 4.5 लाख है, 4 लाख तक आप डिविडेंड मान सकते हो। अब समझ में आई बात? क्लियर है? अगर ये नहीं दिया होता तो 3 लाख, और अगर ये 1.5 2 लाख होता तो 2 लाख।
क्योंकि मार्केट वैल्यू ही उतनी है। अब समझ में आई बात। ये सेक्शन 222 ए है, ये सेक्शन 222 ए है। और जरा बुक में देखो, अब हम 222 ए पढ़ते हैं। पेज नंबर है आपका 17, और 17 में जब हमने डिविडेंड इनकम बताया था तो हमसे गलती हो गई, बुक में हमने प्रपोज और इंटरिम डिविडेंड के बारे में नहीं लिखा है। तुम लोग लिख लोगे यहाँ पे, और यहाँ ऊपर हेडिंग दोगे डीम्ड डिविडेंड। जो पॉइंट आ गए हैं वो केवल डीम्ड डिविडेंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। 222 ए मैं पढ़ता हूँ, ढंग से सुनना, मैं पढ़ रहा हूँ सुनना, छोड़ दो बुक नहीं है तो। एनी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड मैंने क्या यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूशन। ना तो डिक्लेरेशन वर्ड यूज़ किया मैंने और ना पेमेंट वर्ड यूज़ किया मैंने। कौन सा वर्ड यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है। डिक्लेरेशन तो ये होता है, पेमेंट ये होता है, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। डीम्ड डिविडेंड हमेशा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो, इसको कवर किया गया कि नहीं 115 में। हाँ सर, 115 में बोला गया था इफ एनी कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर और पे और डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट किसके लिए बोला गया है, डीम्ड डिविडेंड के लिए, पक्की बात है ना। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सुन लो, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाई अ कंपनी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट, इफ सच डिस्ट्रीब्यूशन इंटेल्स, अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन शामिल करता है, द रिलीज बाई द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी, यानी पार्ट या सारी एसेट्स शेयर होल्डर को रिलीज कर दी जाए, तो उस वैल्यू के बराबर, उस एसेट की वैल्यू के बराबर हम उसको डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, बट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट। इज इट क्लियर। ये सेक्शन 222 ए, समझ में आया। बी की बात करते हैं। अब कंपनी के ऊपर जब मार पड़ी तो कंपनी ने कहा अब मैं क्या करूं। उसने चोरी का एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। वो रास्ता क्या था, उसने कहा सरकार को, सरकार देखो आप हमें मना कर रहे हो कि हम एसेट को नहीं दे सकते, नहीं देते एसेट को, कोई दिक्कत। सरकार ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स को एसेट नहीं देंगे, हम अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर दे देंगे। मना करोगे क्या, फायदा मिल गया इन लोग को, फायदा मिल गया। हम अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर स्टॉक दे देंगे या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे देंगे, आप मना करेंगे क्या हमको, या फिर इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर दे देंगे, डिबेंचर स्टॉक दे देंगे और बोनस शेयर्स दे देंगे, आप मना करेंगे क्या। हम कर दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर, सरकार कहेगी नहीं दे सकते। अगर दे रहे हो तो हम इसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। क्यों भाई डीम्ड डिविडेंड क्यों मानोगे, नॉर्मली दे हैव राइट टू गेट देयर अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड दे हैव राइट टू गेट देयर बोनस शेयर्स। डिविडेंड और बोनस शेयर्स इनको मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ देते हो तो वो एक तरह से प्रॉफिट देना हुआ, तो हम इसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। और अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अधिकार केवल और केवल डिविडेंड तक ही रहता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, इन लोगों को यह भी अधिकार नहीं रहता कि इनको बोनस शेयर्स दिया जाए, इनको बोनस शेयर देते हो ओके, वो शामिल नहीं है डीम्ड डिविडेंड में, इनको डिविडेंड देते हो इक्विटी डिविडेंड ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इनको बोनस शेयर दे रहे हो, ना नहीं दे सकते इनको, ना आप बोनस दे सकते हो ना डिबेंचर स्टॉक दे सकते हो, नहीं दे सकते, आप केवल इनको प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकते हो। तो अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड के अलावा इनको कुछ भी दोगे तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। इनको इक्विटी डिविडेंड और बोनस शेयर्स के अलावा कुछ भी दोगे तो वो डीम्ड डिविडेंड मान दिया जाएगा। कितना, रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब समझ में आया, ये सेक्शन 222 बी है। कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाई अ कंपनी ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इन एनी फॉर्म,
whether with or without interest, and any distribution to its preference share holder of shares by way of bonus to the extent to which the company possesses accumulated profits, whether capitalized or not. उसने कहा shareholders को आप डिवेंचर दीजिए, डिवेंचर स्टॉक दीजिए या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दीजिए, क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड डिविडेंड। और स्पेशली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर बोनस शेयर दे देंगे तो वो भी डीम्ड डिविडेंड आ जाएगा। इज इट क्लियर? तरीका समझ में आया? बोलो ना। मैंने कहा अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर का मतलब चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस, कुछ भी दे दो और स्पेशली प्रेफरेंस को बोनस और दे दो, वो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। पक्की बात है? डाउट नहीं है? पूछ सकते हैं हम? बता लोगे? पक्का? अब जब इतना सिस्टम हो गया तो एक सेक्शन और जोड़ा गया, 222C। ये कहा जाता है रिलीज ऑफ एसेट फुल्ली और पार्टली। ये कहा जाता है डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स एंड बोनस शेयर्स। सी बोलता है, यहां भी शेयर होल्डर का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस था, यहां भी शेयर होल्डर का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस। सी की बात करते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। मान लो ये कंपनी है जिसका 10 नवंबर 2016 का बैलेंस शीट है, किस डेट का, और इस कंपनी को इस तारीख को डिक्लेयर इंसॉल्वेंट या लिक्विडेट हो गई, क्या हो गई? कंपनी लिक्विडेट हो गई। और इस दिन रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हुए थे 5 लाख, बोलो। और एक और बैलेंस शीट बनी 5 अगस्त 2017 की, वाइंडिंग अप, किस डेट की, लास्ट फाइनल पेमेंट हो रहा है, ये लिक्विडेशन का प्रोसेस चलता रहा। अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज 1 घंटे के अंदर हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। कितनी देर के अंदर? 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लग जाता है, लग जाता है। और इसको भी देखो ना, डेट ऑफ लिक्विडेशन से पूरा लगभग 1 साल लगभग लगा, 10 महीने लग गए, 9-10 महीने लग गए। और जो लिक्विडेटर होता है वो इस डेट को अपॉइंट हो जाता है, हाँ भाई क्या क्या है एसेट में, तो बताया जाएगा ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं और ये रिजर्व एंड सरप्लस हैं और ये शेयर होल्डर्स की डिटेल है। इस दिन जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो सारी की सारी एसेट्स लिक्विडेटर के पास चली जाती हैं, सारी की सारी लायबिलिटीज लिक्विडेटर के पास चली जाती हैं। अब सारे के सारे डायरेक्टर्स की छुट्टी हो जाती है और सारे के सारे शेयर होल्डर्स आज के बाद से कॉन्ट्रीब्यूटरी मान लिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वो डेट है जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हुई थी और उस दिन इतना प्रॉफिट बता रहा था, और आज की डेट में जो प्रॉफिट बता रहा है वो 7 लाख बता रहा है, किस तारीख को, जब फाइनली लोगों को पेमेंट करना है, किनको, इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो, कंपनी बंद, कंपनी बंद, सबसे लास्ट में उन्हीं को पेमेंट करना है, किनको, मैंने वर्ड क्या यूज किया, जब सेक्शन 222C पढ़ोगे तो लिखा हुआ शेयर होल्डर, तो वहां शेयर होल्डर का मतलब क्या होगा, केवल इक्विटी। जब यहाँ ये पढ़ रहे थे तो शेयर होल्डर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ये पढ़ रहे थे, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, और यहाँ पर शेयर होल्डर का मतलब केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर से, इज इट क्लियर। तो ये कहा गया 7 लाख रुपए यहाँ पे। अब पेमेंट कैसे करेंगे, जो एसेट्स होगी दे दो, जो कैश होगा दे दो, एसेट्स और कैश ही तो दोगे, और क्या दोगे, नॉर्मली क्या दोगे, एसेट्स एंड कैश, एसेट एंड कैश दे दो। अगर एसेट देते हैं तो 222A पर वापस पहुंच गए, हाँ या ना। तो यहां ये नहीं लिखा 222A पर वापस पहुंच गए, कहा गया
एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इफ एनी एसेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड रेस्ट्रिक्टेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट एज ऑन द डेट ऑफ द लिक्विडेशन. नॉर्मली नॉर्मली जो तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग केवल इतना जानते हो आज तक कि तुमने कंपनी में लगाया था 1 लाख, आप शेयर होल्डर थे 1 लाख रुपए के, कंपनी ने आपको जब कंपनी खत्म हुई तो दे दिया 1.5 लाख, तो आप कहते हो दिस इज आर रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल. आप क्या बोलते हो? दिस इज द रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, दिस इज द रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल. लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ना, ये जो रीपेमेंट है इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक तो रिलीज ऑफ एसेट एज ऑन द डेट ऑफ द लिक्विडेशन, जिस दिन कंपनी पहली बार लिक्विडेट, जाहिर सी बात है 10 नवंबर को अगर लिक्विडेट हुई है कंपनी तो 9 नवंबर की रात को यही तो बैलेंस शीट बनी होगी जो 10 नवंबर की सुबह दिख रही है, यानी लिक्विडेशन के जस्ट पहले की डेट के, 1 दिन पहले के डेट के बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा उस लिमिट तक अगर एसेट को बांटा जाता है तो उसको हम लोग रिलीज ऑफ फिक्स एसेट्स कहते हैं, रिलीज ऑफ एसेट्स कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स एसेट टू द शेयर होल्डर्स बोलते हैं. तो इसकी बात तो ये 222A आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 222A. और कंपनी को इस पर क्या देना पड़ेगा? डीम्ड डिविडेंड. क्या देना पड़ेगा? डीम्ड डिविडेंड मानते हुए टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन इस तारीख के बाद जो प्रॉफिट बढ़ा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. पक्की बात है ना? समझ में आया? अब एक बार पढ़ते हैं और साथ साथ देखते जाना. एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर, यहां शेयर होल्डर का मतलब केवल इक्विटी है, ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, ऑन इट्स लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ लिक्विडेशन. इधर इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ लिक्विडेशन वेदर कैपिटलाइज और नॉट. तो यही तो रात वाला होगा, सुबह आया. इज इट क्लियर? पक्की बात है. तो लिक्विडेशन के दौरान अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है एसेट या उसका कोई पार्ट, तो टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट उस लिमिट तक हम उसको क्या मान लेंगे? डीम्ड डिविडेंड. किस तारीख का? जस्ट बिफोर द डेट ऑफ द लिक्विडेशन. हाँ या ना? बाकी का अमाउंट आप रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. हटा दे सेक्शन. हाँ बोलो. सेक्शन हटा रहे हैं, 222D की बात करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं? अब कंपनी का ए में भी नहीं चला, एसेट को बांट दो. बी में भी नहीं चला, डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक दे दो. कंपनी ने सरकार को कहा तू शेर है तो हम 1.5 शेर हैं, 1.25 शेर हैं. कंपनी ने जानते हो फिर क्या चालाकी उसकी? बताएं, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपए वाले 5 लाख, और ये कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस है, और ये कंपनी के पास एसेट्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 12 लाख है. मान ले कंपनी ने कहा हम आपको एसेट नहीं बांट सकते. क्यों? 222A आ जाएगा. हम आपको डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक भी नहीं बांट सकते. 222B आ जाएगा. सी तो आएगा नहीं, लिक्विडेशन तो हो नहीं रहा. चलिए हम आपके साथ एक काम करते हैं, हम इस 100 रुपए में से 20 रुपए हम वापस कर देते हैं. पहले 5,000 शेयर थे 100 रुपए वाले, अब 5,000 शेयर बचेंगे. कंपनी कर सकती है नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती. इट इज इम्पॉसिबल. कैसे आप अपने शेयर कैपिटल का पेमेंट कर सकते हैं? नो कंपनी कैन रिड्यूस देयर शेयर कैपिटल. नो कंपनी कैन रिड्यूस देयर शेयर कैपिटल.
इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू मेक द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, दे आर टू डिफरेंट वेज. इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वी आर नीडेड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हाइल वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करते हैं तो उस समय हमको प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है. और जरा याद करो कि जब हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करते हैं, मुझे मालूम है तुम लोग को मालूम नहीं है, जब हम रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो कैपिटल कभी भी कम नहीं हो सकती. नहीं हो सकती, करे नहीं हो सकती. हमारे पास सुन लो 1,00,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और हमारे पास कैश भी मान लेते हैं इधर एक्स्ट्रा रख दिया 9,00,000. बैलेंस शीट मैच कर गई, कर गई. हमें इसका आज पेमेंट करना है क्योंकि इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते. इंडिया में केवल और केवल आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं. और जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे देन टुडे और टुमारो इट विल बी रिडीम्ड. आज नहीं तो कल हमें इसको पेमेंट करना पड़ेगा. और जब हम पेमेंट करेंगे, एंट्री क्या करोगे, पेमेंट कर दो. पैसा आया था कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म हो जाएगा. 1,00,000 इधर से, 1,00,000 इधर से. दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है? हाँ बोलो. तुम तो ना बोलो. हाँ, बैंक लोन से इसका क्या लेना देना, जबरदस्ती की बात ना करो. हाँ बोलो. बच्चा कह रहा है कि जितने का आप रिडेम्पशन करेंगे ना, उतने का आप रिजर्व बनाएंगे, उतने का आप रिजर्व बनाएंगे. यही बोले हो ना, यही बोले हो. अब बताओ रिडीम कैसे करोगे? रिजर्व बनाने के लिए तो पैसे ही नहीं है ना. हमें 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना है, हमारे पास तो रिजर्व 20,000 का है. बना ले बेटा, एक मिनट. हाँ हाँ, कहाँ से बनाओगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व? रिजर्व कहाँ से बनता है पहले तो ये बताओ. नहीं नहीं, रिजर्व कहाँ से बनाते हो? रिजर्व कहाँ से बनाते हो? कहाँ से? प्रॉफिट. हाँ, प्रॉफिट में से रिजर्व बनता है ना. जब प्रॉफिट है ही नहीं तो रिजर्व कहाँ से बनाओगे? जब प्रॉफिट ही 20,000 तुम्हारे पास है, 1,00,000 का तुम पेमेंट करने जा रहे हो, रिजर्व कितना बना लोगे? 20,000. 80,000 का क्या करोगे? और साल बना तो इतनी मार खाओ. सही बोला है वो, सही बोला है. CRR का क्या यूज करते हो? हमें वहां नहीं जाना चाहिए लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है. हाँ बोलो. एक बोनस शेयर इशू करोगे 20,000, यानी कि अगर तुम CRR में ले जा रहे हो तो आज नहीं तो कल वो वापस इसमें जुड़ जाएगा. और 80,000 कम पड़ रहा है तो उसका नया शेयर कैपिटल इशू कर दो, तो 20,000 आज नहीं तो कल बोनस शेयर में वो बढ़ जाएगा और 80,000 नया शेयर कैपिटल आ गया, 1,00,000 फिर बढ़ गया. यानी किसी भी कीमत पर हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के समय भी अपनी कैपिटल बेस को कम नहीं होने देते. आज अगर 7,80 और 1,00,000 दिख रही है, 8,80, तो रिडेम्पशन के बाद भी 8,80 दिखेगा. सोचो 1,00,000 यहां से गायब हो जाएगा, उसके बाद 8,80 दिखेगा. आज गायब नहीं है तो 8,80 दिख रहा है, गायब हो जाएगा तो फिर 8,80 दिखेगा. क्यों? ये गायब हो गया, ये 20,000 कहां चला जाएगा? CRR में. यानी कि आज नहीं तो कल ये बोनस शेयर में चला जाएगा. यानी 20,000 बढ़ गया, 8 हो गया, 80,000 कम पड़ रहा है तो मार्केट से नया शेयर इशू कर दो, 80,000 वो आ जाएगा. अब बात समझ में आई? दो ही रास्ते, तीसरा कोई रास्ता नहीं है. इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब, जब आप उस कंडीशन में, जब आपको मौका दिया गया था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, एट द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल यू वेयर नोइंग दैट आफ्टर 5 years और 7 years वी हैव टू रेडीम इट, एवन दो वी आर नॉट कैपेबल टू रेडीम इट विदाउट मेकिंग इट इंटैक्ट. यानी वी हैव टू मेक इट एज इक्वल बिफोर द रिडेम्पशन. जितना वो रिडेम्पशन के पहले था उतना रिडेम्पशन के बाद भी हमारा शेयर कैपिटल, यानी कैपिटल बेस मेंटेन होना चाहिए. जब उस समय नहीं कर पाए नॉर्मल सिचुएशन में, तो यहां तो आप टैक्स चोरी की बात कर रहे हैं. आप कैसे 100 का 80 कर सकते हैं? 100 का 80 केवल एक ही केस में हो सकता है. 100 का 80 केवल एक ही केस में हो सकता है. कैपिटल कैन बी रिड्यूस ओनली इन वन केस.
एंड दैट इज कैपिटल रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कैपिटल रिडक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पढ़ा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। घर के अंदर को घर के अंदर ही रिपेयर करो, घर अगर थोड़ा टूट फूट जाए तो उसको रिपेयर कर लो, उसको हम कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और बहुत ज़्यादा टूट फूट हो जाए तो ज़मीन से उसको पूरा साफ करो। अब बात समझ में आई? तो यहाँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में केवल अलाउड है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैन बी डन ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। कोर्ट अगर उस स्कीम को परमिट करेगी तो हम कैपिटल रिडक्शन कर सकते हैं, कोर्ट की बिना परमिशन के कैपिटल रिडक्शन का प्रोसेस पॉसिबल? और जब प्रोसेस पॉसिबल नहीं तो इस 100 को 80 आप कैसे कर सकते हैं? और कैपिटल रिडक्शन एक ही केस में हो सकता है, वो जब कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेज में जा रही हो, कंटिन्यूअसली लॉसेज में जा रही हो और कंपनी को उम्मीद है कि इन फ्यूचर प्रॉफिट की कोई उम्मीद भी नहीं है, उस केस में कैपिटल रिडक्शन पर जाया जा सकता है। तो कैपिटल रिडक्शन का केवल एक ही केस था, यहां तो वो केस है ही नहीं, यहां तो वो केस है ही नहीं। जब नहीं है तो आप कैपिटल रिडक्शन कैसे कर सकते हो? वहां कैपिटल रिडक्शन का केस उस समय बनता था जब हमारी जेब में कैश की कमी थी, कैश होता तो दिक्कत क्या थी? यहां तो हम कैश का पेमेंट कर रहे हैं, ये कौन सा कैपिटल रिडक्शन है? आप तो सारी की सारे प्रोविजंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? ये क्या उड़ता है? धज्जियां कैसे उड़ती हैं हम तो आज तक नहीं देखे, हड्डियां उड़ते हुए देखे, धज्जियां नहीं उड़ते हुए देखे। देखो इधर, समझ में आई बात? देखो ना, पूरा का पूरा वायलेट कर रहा है प्रोविजन, कर रहा है। तो कम गवर्नमेंट ने इसको भी डीम डिविडेंड कर दिया। आप शेयर होल्डर को फायदा देना चाहते थे ना, अच्छा फायदा मिला कि नहीं शेयर होल्डर को? मिल गया। अगर शेयर होल्डर को फायदा मिला है तो बताओ मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं कंपनी के शेयर्स की मार्केट में? अगर 20 रुपये वापस कर दें तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं शेयर्स की? बिल्कुल कम नहीं होगी, बिल्कुल कम नहीं होगी। तो अगर ऐसा कोई केस आ जा रहा है, वो अकाउंट्स की दिक्कत है, अकाउंटिंग वैल्यूएशन, वहां हम नहीं जाना चाहते फिलहाल। समझ में आया? तो कहा गया दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ डीम्ड डिविडेंड। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैपिटल रिड्यूस करके कुछ ना कुछ पेमेंट करे, समथिंग मस्ट बी पेड टू द शेयर होल्डर, then in that case also it will be treated as deemed dividend to the availability of accumulated profits whether capitalized or not। अब समझ में आई बात? अगर कोई कंपनी इस तरह से पेमेंट करती है, कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे? डीम्ड डिविडेंड। इज इट क्लियर? तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, आगे लिख देना समथिंग मस्ट बी पेड, द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत टाइम लेने वाला है आपका ई। पहला मैंने बताया आपको डीम्ड डिविडेंड का, अगर कोई कंपनी अपनी एसेट्स को रिलीज करके उसके किसी एसेट्स को फुल्ली या पार्टली रिलीज करके अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो दैट इज अमाउंट ऑफ डीम्ड डिविडेंड एंड दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट। That was our first case. Second case, if any company is going to distribute to its equity shares, what debenture, debenture stock deposit certificate, and on the other way, the company is going to distribute to their preference shareholder, debenture, debenture stock deposit certificate and preference share, then in that case, it will be treated as deemed dividend up to the availability of accumulated profits, whether capitalized or not. Third, I have told you, at the time of the liquidation of the company, if any asset is to be distributed amongst the shareholder, then just before the date of liquidation, whatever the availability of profits in the books of the company, the asset distributed even after the liquidation, it will be treated as deemed dividend up to the availability of accumulated profits which was available at the time of the liquidation. Yeah, just before the date of liquidation will be treated as deemed dividend up to the availability of accumulated profits whether capitalized or not. Aur maine liquidation ke case mein keval section equity shareholder ko cover kiya, keval equity shareholder ko. Reduction of share capital mein kaha, if any company is going to make the payment to reduce the share capital, then in that case it will be treated as deemed dividend. Same which is last E, लोन्स और एडवांस। सुनो, सुन लो, ये एक्स लिमिटेड है,
इसका शेयर होल्डर है मिस्टर वाई, और इस मिस्टर वाई के पास 10% शेयर कैपिटल है किसकी, एक्स लिमिटेड की, और ये इनका बेनिफिशियल ओनर है। क्या है सर ये कौन सी नई बात आप बता रहे हैं, कुछ नई बात बताई क्या? अगर मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है तो मैं ही तो बेनिफिशियल ओनर हूँ कि कोई और बनेगा, मैं ही बनूंगा ना कि कोई और बनेगा, दूसरा भी बन सकता है। अगर शेयर कैपिटल मेरे पास है, मेरे घर नाम से घर है, किराया हम तुमको दिलवा सकते हैं, तो भले घर मेरे नाम से लेकिन बेनिफिशियल ओनर तुम हो। अब बात समझ में आई, शेयर कैपिटल मेरे नाम से, इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, लेकिन उसका डिविडेंड तुमको मिलेगा, तो बेनिफिशियल ओनर तुम हो। अब बात समझ में आई, लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है, शेयर कैपिटल भी मेरे नाम से है और मैं ही बेनिफिशियल ओनर हूँ, तब ये केस लगेगा। और कंपनी ने इसको कहा ये लो लोन, क्या लो, तुम बैंकिंग कंपनी हो, तुम बैंकिंग कंपनी हो, तुम्हारा बिजनेस है लोन देना, तुम इंश्योरेंस कंपनी हो, तुम्हारा काम है लोन देना, तुम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, तुम्हारा काम है लोन देना, नहीं, जब तुम बैंकिंग कंपनी नहीं हो, NBFC नहीं हो और तुम इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो तो तुम लोन कैसे दे सकते? लोन दे रहे हो बेटा, जरूर झोल झाल है, अब बात समझ में आई, क्यों दे रहे हो लोन? इसको डिम्ड डिविडेंड माना गया, क्या माना जाएगा, डिम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब चाहे एक को दे चाहे सबको दे, मान लो इसने 10 तारीख को लोन दिया, 11 तारीख को इसको इस लॉ के बारे में नॉलेज हुई, अच्छा ऐसा रूल है 222E में, चल वापस कर, गलती क्या हो जाएगी, माफ नहीं होगी, कत्ल कर दिया तो वो जिंदा कहां से होगा, जुर्म तो हो गया ना, तो जुर्म की सजा मिलेगी, भले ही आप एक घंटे बाद क्यों ना उस पैसे को वापस कर दें। अब बात समझ में आई, कह रहा पता कैसे चलेगा, सुन लो, हम पहले ही बता चुके हैं चोरों की कमी नहीं है, चुट्टई कर ही लेंगे, ना तुम कहीं रिकॉर्ड करो ना कहीं वो रिकॉर्ड करे, बात खत्म हो गया, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। इसने रिकॉर्ड किया है एज अ लोन और जेन्युइनली लोन दिया है, जेन्युइनली लोन दिया है, अगर ये कंपनी रिकॉर्ड नहीं करेगी तो तुम वापस भी नहीं कर पाओगे। अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया अपनी बुक्स में 50,000 का लोन दिया, बाद में कंपनी नहीं कह सकती कि मैंने 50,000 का लोन दिया था, वो भाग रहा है पैसा नहीं दे रहा, हमने शराफत गवर्नमेंट के भैया रिकॉर्ड कहाँ किया था तुमने, ठीक है ना। अब बताओ सुनना, ये क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा, टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वेदर नहीं है, नहीं, टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यू, जितना रिजर्व एंड सरप्लस होगा उसी लिमिट तक, बोनस शेयर से इसका कोई लेना देना नहीं, केवल यही एक पॉइंट है जहां पर बोनस शेयर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब किसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, ये ऐसा सेक्शन है जहां टैक्स इसके ऊपर लगेगा, सुन, इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर शेयर होल्डर के ऊपर, किसके ऊपर लगेगा, शेयर होल्डर के ऊपर। कंपनी ने साठगांठ की इसके साथ, कहा देख हम नहीं चाहते टैक्स देना पड़े या तुझे देना पड़े, एक काम करते हैं, मिस्टर वाई ने कहा इसको, कंपनी को, ये जेड लिमिटेड है, इसने इसको कहा कि तू हमें लोन देगा, क्या मान लिया जाएगा, तू एक काम कर, तू इसे लोन दे दे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ये हमें लोन दे देगा, तो कंपनी ने मुझसे पूछा क्यों दे देगा भाई, मैं इससे कहूंगा इस कंपनी में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इस कंपनी में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी मैं इस कंपनी में मैं 20% या उससे अधिक का शेयर होल्डर हूं। अब बात समझ में आई, तो तुम एक काम करो, तुम इस कंपनी को क्या दे दो,
लोन दे दो, ये कंपनी हमें लोन दे देगी, तो किनारे हो जाना। नहीं हो सकता? हो सकता है। तो बताओ अब टैक्स किस पर लगेगा? इसके ऊपर। टैक्स इसको देना पड़ेगा। और आओ टांग अड़ाओ दूसरे के काम में, दूसरे के काम में टांग अड़ाओ बेटा, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। दूसरों के साथ मिलकर टैक्स प्लानिंग करते हो? ऐसा टैक्स लगाऊंगा कि दूसरों के साथ फिर कभी टैक्स प्लानिंग करने की सोचोगे नहीं। अब बात समझ में आई? पी को कहा, पी को दे दे, मेरा रिलेटिव है। क्या है? किसके ऊपर टैक्स लगेगा? किसके ऊपर टैक्स लगेगा? पी के ऊपर। टांग अड़ाते हो दूसरों के काम में बेटा, ऐसा टैक्स के दायरे में लपेटेंगे कि फिर कभी किसी की मदद करना भूल जाओगे, टैक्स चोरी करना तो भूल ही जाओगे। अब बात समझ में आई? तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ले रहा है उसी के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। सर आपने लोन्स एंड एडवांस बोला था, एक्स लिमिटेड ने मिस्टर वाई को एडवांस दिया, जाओ ये 5 लाख रुपए लो और कोलकाता जा करके ये मशीन ले आओ। बताओ डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा या नहीं? एक्स लिमिटेड ने मिस्टर वाई को 5 लाख रुपए एडवांस दिया, कहा जाओ कैलकटा और जा करके वहां से 5 लाख रुपए ये लो एडवांस, और 20 लाख रुपए की मशीन है लेते आओ। एडवांस दे रहे हैं, सुन तो लो पहले, पिछले 3 साल से एडवांस है। आप नाम देकर किसी चीज को छुपा नहीं सकते। ऐसा कौन सा एडवांस है? मम्मी ने कहा बेटा जाओ आलू ले आओ, 2 साल से तुम आलू ही ला रहे हो, ये कौन सा एडवांस है? मेरी बात समझना, एडवांस है 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर वो मशीन आनी चाहिए, प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। मशीन नहीं आएगी तो उसका कैंसिलेशन होना चाहिए एग्रीमेंट का, जो भी हो। अब समझ में आई बात? तो एडवांस का मतलब ये सारे एडवांस नहीं, एडवांस शुड बी इन द नेचर ऑफ लोन, मींस एडवांस हैज बीन गिवन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल एडवांसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज एडवांसेस विच आर गिवन टू द शेयर होल्डर विच आर लाइक अ लोन। हाँ है ना, जो लोन की तरह दिए गए, हम केवल उन्हीं एडवांसेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? पक्का? पहला बताया एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, बी बताया डिवेंचर डिवेंचर स्टॉक दे देना, सी बताया लिक्विडेशन, डी बताया रिडक्शन, और फोर फिफ्थ बताया लोन से एडवांस। समझ में आज बात? कोई दिक्कत है? बच्चे ने कहा लोन को जब वापस करेगा, फिर तो वापस तो कोई भी करेगा, जब लोन लेते हैं आप तो लोन को तो वापस करना ही पड़ेगा ना। अरे उससे क्या लेना देना? मैंने कहा 1 घंटे बाद भी अगर पैसा वापस कर दे तो वो डिविडेंड हो गया। हमने तो यही बोला, खून तो खून है, कत्ल तो कत्ल है, जुर्म कर लिया, बाद में भले आप माफी मांग लो तो पैसा तो वापस करना पड़ेगा।
या तो अभी 1 घंटे में वापस करो या 4 साल बाद वापस करो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको पैसा दिया है उस पर आपको डीम्ड डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा, आपको कंपनी को नहीं, आपको। उल्टा केस है यहां पे, ये उल्टा केस है। 222A में टैक्स कौन देती थी? कंपनी। बी में कंपनी, सी में कंपनी, डी में कंपनी, ई में शेयर होल्डर, प्रपोज डिविडेंड में कंपनी, इंटरिम डिविडेंड में कंपनी, यानी हर जगह कंपनी, केवल 222E को छोड़कर। 222E में टैक्स डिविडेंड का कौन देगा? केवल रिसिपियंट, रिसिपियंट जो एक्चुअल में रिसीव, अब चाहे शेयर होल्डर रिसीव करे, चाहे कोई दूसरी कंपनी रिसीव करे, चाहे उसका रिलेटिव रिसीव करे, ठीक है ना, जो डायरेक्ट बेनिफिट ले रहा है, डायरेक्ट कंपनी से ले रहा है। यहां तो कोई दिक्कत, हटा सकते हैं। सेक्शन 14 देखोगे, क्या देखोगे? कहता है 1 + 4 फाइव हेड्स ऑफ इनकम। याद करना कितना आसान है, दे आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम, दे आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम, ये कौन बताता है? सेक्शन 14 बताता है दे आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम। पहला सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी मैंने जो आपको सेक्शन 222 ABCDE बताया था ना, ये समझ लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का 50% टॉपिक आपने खत्म कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था अदर सोर्सेस का 50% टॉपिक, यानी एक हेड ऑफ इनकम है जो आधा खत्म कर दिया आप लोगों ने, सबसे इंपॉर्टेंट था ये। तो सेक्शन 14 कहता है दे आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। PGBP का मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चलो एक काम करते हैं, उम्मीद है तुम लोग बता नहीं पाओगे, लड़खड़ा जाओगे बताने में, और लाइन से बताना है। कितने सोर्स ऑफ इनकम बताया मैंने, जल्दी से गिनाओ लाइन से, नहीं पीछे। सादिक, लाइन से बताया कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, लाइन से बताया। तुम हाँ बोल रहे हो, चलो बताओ, तुम ही बताओ, हम भी देखें कैसे। कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? चार। क्या? हाँ, तुम पीछे। हाँ, कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? बोलो, कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? सबसे पीछे बताओ, तुम बताओ। कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं बताओ? मैं बकरी हूँ मैं और तुम लोग अपने लिए, अपने अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। हाँ बोलो। अब जा करके एक बच्चे का जवाब गलत आया,
सच बताओ, फिर से बताओ। कैपिटल गेन के बाद आता है पीजीटी। और सब हंस रहे हैं इसके ऊपर, तो कौन सा तुम लोगों ने सही जवाब दिया है? किसी भी एक बच्चे ने जवाब सही नहीं दिया। सैलरी के बाद पीजीबीपी, इतनी मार खाओ। हमने यही बताया हमने हेड्स ऑफ इनकम बताए थे, मैंने सोर्स ऑफ इनकम कहाँ बताए थे? मैं तो तब से तुम लोग से हर एक से मैंने पूछा सोर्स ऑफ इनकम बताओ, सोर्स ऑफ इनकम बताओ। हर बच्चे से मैंने बोला है सोर्स ऑफ इनकम बताओ, कभी भी मेरे मुंह से हेड ऑफ इनकम नहीं निकला। मैंने कहा सोर्स ऑफ इनकम बताओ, चलो तुम बताओ सोर्स ऑफ इनकम, तुम बताओ क्या होता है। मैंने कब कहा हेड्स ऑफ इनकम बताओ? रिकॉर्ड हो रहा है, रिपीट करवा देंगे। ये भी लोचा है, इतना तो भरोसा है। मैंने सोर्स ऑफ इनकम पूछा था, वो तो हजारों हो सकते हैं, उसमें कौन सा पांच हेड्स लगता है? तुम 10 बिजनेस करते हो तो 10 सोर्स ऑफ इनकम है, तुम 4 जगह नौकरी करती हो तो 4 जगह सोर्स ऑफ इनकम हो गए, तुम्हारे 50 घर हैं तो 50 सोर्स ऑफ इनकम हो गए, तुम 20 जमीनें बेच दो तो 20 सोर्स ऑफ इनकम हो गए कैपिटल गेन में। हर एक हेड में अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, तो हम यहाँ सोर्स ऑफ इनकम तो किसी से पूछे ही नहीं। और मैंने शुरू में ही कहा कि तुम लोग लड़खड़ा जाओगे, गलत बताओगे। और वो लड़खड़ा गई, सबने कहा उसी के लिए सर पूछ रहे थे। सब लोग गलत थे। और वो महानता दिखा रहा है, पीजीबीपी पहले आता है बाद में आता है, पहले कैपिटल गेन आता है। और इसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा गया, पहले कैपिटल, पहले से हाउस प्रॉपर्टी नहीं आता, पहले पीजीबीपी आता है। अरे वाह, कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? 5, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। इसमें कोई दिक्कत? एक सेक्शन है सेक्शन 14A, इसकी कहानी सुन लो पहले, क्या था, कैसे आया ये सेक्शन, सुन लो। मेरे पास, मैं इन्वेस्टमेंट करने का काम करता हूं, मैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का काम करता हूं। मुझे 1 लाख रुपयों की जरूरत थी और मैंने लोन ले लिया। क्या नाम है बाबू? निकिता। मैंने निकिता से लोन ले लिया, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। और मैंने इसको 2 जगह लगा दिया। 1 लाख रुपए में से 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री है, चलो 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और 8% डिबेंचर ले लिया। 60,000 इसमें लगा दिया, चलो 40,000 इसमें लगा दिया और 60,000 इसमें लगा दिया। साल के अंत में हम इनकम टैक्स फॉर्म कैसे भर रहे हैं जरा देखो। इंटरेस्ट मिला 12% वाला 7,200 गवर्नमेंट वाला, 8% इंटरेस्ट मिला डिबेंचर पे कितना, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, इसने जो मुझे इंटरेस्ट लोन दिया था वो 10% पर दिया था कितना, चलो 11% मान ले, 9% मान लेते हैं, कितना, 9,000 रुपए। बताओ टैक्स कितने पर, बोलो। अरे बताओ अमाउंट कितना आया, नेट प्रॉफिट। ये टैक्स फ्री है, ये टैक्स फ्री है, लिखा है टैक्स फ्री, यानी इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। बताओ लॉस कितना मैं दिखाऊंगा, 5,800 लॉस। जब मैंने इस तरह से रिटर्न दाखिल की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वहां से नोटिस आ गया। क्या आ गया? नोटिस आ गया। उन्होंने कहा नहीं भाई, आपने गलत किया है कैलकुलेशन, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। कैसे होता है तब मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया। चले, उन्होंने कहा 8% इंटरेस्ट
40,000 का 8%, और 9% इंटरेस्ट जो देना है आपको 40,000 का 9%, आपका लॉस कितना है? आप तो गलत बता रहे हो 5800। दो मिनट के लिए मान लेते हैं 7% होता तो यहां कितना होता? 7,000, 3,800, और यहां कितना होता 7% होता तो प्रॉफिट कितना हो जाता? हम 3800 का लॉस दिखा रहे थे, जबकि गवर्नमेंट ने क्या बोला, कितने का प्रॉफिट है आपको? उसने कहा कि अगर इसमें से 60,000 यहां गया है, 40,000 यहां गया, तो इसको भी दो पार्ट में तोड़ दो, 60,000 और, अगर इसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो इसका खर्चा भी मत ले आओ। इसकी इनकम टैक्सेबल है तो इसका खर्चा भी ले लो। सही क्या है, ये या ये? सुप्रीम कोर्ट में केस गया होगा, गया होगा तो, बट ऑब्वियस है उन्होंने किसको सही बोला होगा। हम हाथ इस पर रख रहे हैं तो यही है ना। हाँ, कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन कहता है ऊपर वाला? नहीं, हमारे सिवाय कौन कहता है? तुम भी? सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही बोला, इसको हम बोल रहे हैं हाँ तो करे नहीं, तुम ही आकर पढ़ाओ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही बोला, पूछो क्यों, वो तो पूछोगे नहीं तो हम ही को पूछना पड़ेगा। हाँ पूछो, इंग्लिश में पूछो। सुन इधर, सारी इंग्लिश निकल जाएगी शाम के दिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक आदमी है या दो आदमी है? एक, एक, एक ही आदमी ने पूरा बिजनेस कंट्रोल किया है। ये तो मेरी बुद्धिमानी है कि हम किस पैसे को कहां लगाएं कहां ना लगाएं, और ऐसा भी नहीं कि दोनों के लिए हम अलग बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू मेंटेन सेम सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड 100% ऑफ द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय माई सेल्फ। हाँ है ना, एक ही बुक्स रखता हूं, एक ही बुक्स रखता हूं, बिजनेस मेरे द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, और ये मेरे ऊपर है कि किस पैसे को हम कहां लगाएं। बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिसीजन दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हालत खराब। उसने कहा हमारा इंटेंशन तो ये था ही नहीं, और चूंकि लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था जिसके कारण एसएससी को बेनिफिट मिल गया, डाउट का बेनिफिट मिल गया, तो एसएससी तो मजे ले रहा है। और जाहिर सी बात है अगर लॉ किसी चीज के लिए क्लियर नहीं होता या सब्सटेंशियल क्वेश्चन होता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर आ जाता है तो उसी को ही फॉलो किया जाता है, वही रूल बन जाता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के केस को अगर हटाना हो तो केवल और केवल अधिकार है पार्लियामेंट को, वो एक सेक्शन ला सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जो प्रोविजन नहीं है टैक्स में उसको ले आओ प्रोविजन को। तो बताओ कौन सा सेक्शन लाया गया होगा जिससे इसको हटाया गया होगा? 14A लाया गया, और सेक्शन 14A को अमेंडमेंट करके इसको हटाया गया। जो तुम लोग बोल रहे हो ये सही है, बताओ तुम लोग अगर लॉ मेकर बन ही गए हो तो बताओ तुम लोग वो क्या दो लाइन लिखते कि ये जो तुम्हारी चीज है सही हो जाती, बताओ उन दो लाइनों को। तुम लोगों ने तो बता दिया ये सही है, अब बताओ तुम लोग लॉ मेकर तो बन गए, बताओ क्या लिखोगे? एग्जाम नहीं होगा। अब इस तरह से If any amount is exempt from tax, then the related expenditures are not to be allowed. If any amount of income is exempt, then the related expenditures are not to be allowed. तब तो हम उससे related खर्चों की बात ही नहीं करेंगे। अगर income हमारे पास आई नहीं है तो उससे related जितने भी खर्चे हुए हैं सबको भूल जाओ। क्या बात बोली मैंने, क्या बोला?
अलाउ कर देंगे। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो रिलेटेड एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अलाउड। इज इट क्लियर? पक्का ना? पक्का? इफ एनी इनकम इज, तुमसे पूछ रहे हैं, हाँ, देन शुड नॉट बी अलाउड, देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अलाउड। इज इट क्लियर? तो अब ये सही हो गया। इफ एनी इनकम इज टैक्सेबल एंड द रिलेटेड एक्सपेंडिचर इज टू बी अलाउड, इफ एनी इनकम इज नॉट टैक्सेबल देन द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी देयर। पक्की बात है? ये आपका सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 14A। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू बच्चों।